और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन काउंसिल पीड़ा फतेहाबाद रिगार्ड में है। मलिक सलीम इकबाल, सरदार मुमताज खान तमन, मलिक सरदार अब्बास, ये सारे लोग मौजूद बैठे हैं। पीड़ा फतेहाबाद यूनियन काउंसिल में हमेशा इंशाल्लाह जी मुस्लिम लीग रूल की है और इंशाल्लाह ये बात मैं इन अपने भाइयों के वजन से, इन भाइयों के लोड से फख्र से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह बीपी त्रेवी में सबसे ज्यादा लीड भी यूनियन काउंसिल पीड़ा फतेहाबाद की हो। और उसके साथ जनाब के साथ जनाब के सामने गुजारिश है कि पीड़ा फतेहाल यूनियन काउंसिल इंतहाई पसमानदा इलाका है जो कि रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे बड़े चटपटाल ता भगथाल हमारे छह गांव हैं। पीड़ा फतेहाल, चोखंडी, भगथाल, ढोकबाजा, ढोकाम, चटपटाल, जिनमें छह के छह गांव में एक गांव में सड़क बन रही है पीड़ा फतेहाल में जो कि वजीर आला प्रोग्राम के तहत बन रही है। मलिक शहबाज शरीफ, सरदार मुताफ खान कमल की कहते हैं। उसके अलावा बाकी किसी गांव में हमारी सड़क नहीं है बिल्कुल, अगर कोई है तो वो भी टूट फूट के शिकार है, किसी काम की नहीं है ना सड़क है। और बिजली के मसायल भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं जिसमें सरदार साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि बहुत ज्यादा होने की वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। और भगथाल गाँव जो हमारा है 70 किलोमीटर चटपटाल और भगथाल का गैप बनता है, जो भगथाल गाँव हमारा है उसमें बिल्कुल पसमानी की इंतहा है। आदमी देखने में बिल्कुल ये कहता है कि ये तो टोटली जंगल है। उसी के साथ साथ ही हमारे गांव में पीड़ा फतेहाल में डैम है बड़ा, और पीड़ा डैम चुखंडी का हमारा डैम है जो कि ढोकबाजा ढोकाम का रकबा सैलाब करता है, लेकिन कुछ रकबा हमारा ऐसा है जो कागजों में है गवर्नमेंट के घर की एंट्री है, लेकिन हमें नहर न होने की वजह से हमारे लोग इस पानी से मारूम है जो कि साली का साल चल रहा है। अगर हमारे डैम की तरतीब या खाल की तरतीब बेहतर होती तो शायद ही हमारा जो हल्का है पीड़ा फतेहाल ढोकबाजा ढोकाम उसके साथ कुछ भगथाल का रकबा भी लगता है। ये रकबा कभी भी पसमानी इलाके में ना आता है, इसमें अलहमदुल्ला बराज का काम बहुत अच्छा था। ये जनाब हमारे लिए खसूसी मेहरबानी करें, खसूसी तरजीह बनाते सड़क और बिजली गलियां नालियां जो छोटे मोटे मामला दिए तो जनाब पहले मनुष्य दिया रमान भी ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के की मफरत समाए पूरी पूरी ड्यूटी की और 3-3.5 साल बिल्कुल पूरी अपने राह दे करके पूरी कोशिश की। साथ ही हमें प्रॉब्लम है हॉस्पिटल की जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल जो होता है हमारा सिटी अस्पताल है इसमें मशीनरी ना होने के लायक है। कोई आदमी भी अगर बीमार हो गया या प्रॉब्लम रात हो गई तो जाना पिटी पड़ता है, या लाहौर जाए या पीली जाए फिरदौला जाए, तलागांग में इसका कोई इलाज वाजा नहीं है। कोई डिलीवरी का मामला आ जाते हैं जो अल्लाह की तरफ से होता था, बहुत सैकड़ों सैकड़ों में मिनटों में होता है या घंटों में होता है, वो पिंडी जाने से पहले हमारा काम होना होता है। ये जनाब हम सब की शफकत करें और हमें तरजीह बुनियाद पर फंड किया जाए। हमारे यूनियन काउंसिल कमीशन मजीद आपको हमारे कैदी बैठे हैं जनाब को बता सकते हैं जो हमारे मामला है। अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया जनाब आपका। अठारह अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है और इंशाल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन शेयर जीतेगा हर चीज इंशाल्लाह। मैं सुबह से यहाँ पर लोगों की बातें सुन रहा हूँ, मसाइल सुन रहा हूँ और सुबह कुछ और मेरे जहन में था, दोपहर को कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन अब जब जाने का वक्त आ गया तो मैं कुछ और साथ लेके जा रहा हूँ और मेरे ख्याल में कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो PP 23 जिमनी इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला खैर की खबर सुनाए 18 अप्रैल को एक स्पेशल पैकेज जो है PP 23 के लिए हम इंशाल्लाह तैयार करेंगे। ऐतिहासिक पैकेज होगा, यूनियन काउंसिल में काउंसिल भी हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मौजूद हैं और दीगर जो अच्छे हजरात जो तरक्याती कामों से दिलचस्पी रखते हैं उनके मुस्तकिल कमेटियां बनाएंगे। शहरयार इनके मुदर गवर्नर जो है वो सरदार साहब, मलिक सलीम इकबाल साहब, तमन साहब साथ उनको अपना गाइड करेंगे और आज जो सुबह से लेकर शाम तक मसाइल ही सुनता रहा हूँ उन मसाइल का हल तलाश करके उनको अमली जमा पहनाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए अभी मराहल बाकी हैं, कुछ मराहल आपने तय करने हैं
कुछ मराहल हमने तय करने और 18 अप्रैल का महात्मार का जो है वो आपने मैदान को सर करना है और कामयाबी खुदा के फजल करम से शानदार कामयाबी होनी चाहिए ताकि पैकेज भी शानदार आए और मैं चाहूंगा कि 2018 में उससे पहले पहले आपके तरक्याती काम जो है बेशतर तरक्याती काम मुकम्मल हो जाए ताकि फिर 2018 में जब यहाँ पर मिले तो मसाइल कम और मसाइल के हल पर ज्यादा बात करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ।